हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूब काउंट करना। क्यूब क्या है? एक थ्री डायमेंशन यानी 3D आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति होती है, जिसके अंदर एल इंटू बी इंटू एच यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन आयाम होते हैं। इसके अंदर तीन आयाम होते हैं। अब जैसे अपने को ये फिगर दिया हुआ है, अपने को इसके अंदर घनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, एल बी एच तीनों डायमेंशन काउंट कर लेते हैं। जैसे इधर चलते हैं, 1 2 3 4। अब इधर से चलेंगे, 1 2 3 4 5, ये 4 ये 5, ठीक है। अब इधर इधर की साइड चलेंगे, इधर काउंट करेंगे 1 2 3, यानी ये 5 × 4 × 3 का घन है। तो इसके अंदर टोटल घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितने आ जाएंगे, 60। दी हुई आकृति में 60 घन हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे एक आकृति दी हुई है, इसके अंदर घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वही अपने को एल बी और एच तीनों काउंट करने हैं। इधर 1 2 3 4 5 6। अब इधर ऊपर की तरफ चलेंगे, 1 इधर 1 2 3 4 5 6, ये 6 ये भी 6। अब इधर की तरफ चलते हैं, इधर की तरफ ये वाली 1 2 3 4, यानी ये कितनी हो गई, 4। इसके अंदर घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके अंदर घनों की संख्या आ गई 36 144, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब जैसे एक घन दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है, वही अपने को एल बी और एच काउंट करनी है। तो इधर से चलेंगे अपन, नीचे देखेंगे ये वाली, तो इधर कितनी है, 4। अब इधर चलेंगे ऊपर, 1 2 3 4। अब इसमें अपन एक पीछे की तरफ ऐसे देखेंगे ना, ये वाला, इसमें सिर्फ एक गन है, इधर की साइड इसकी एक है, इसकी जो विमा है वो एक है। तो इसके अंदर अभी देखना एक चीज़ दी हुई है, ये जो बीच में है, बीच में से कुछ गन निकाले हुए हैं, ठीक है। अब ये गन कितने निकाले हुए हैं, पहले ये देख लेती हैं, कि गन नहीं निकाले हुए होते तो इसके अंदर टोटल कितने घन होते, तो वो देखते हैं पहले। 4 × 4 × 1, लेकिन इसमें से कुछ घन निकाले हुए हैं, अब उनको काउंट करेंगे। अब उनकी विमा देखना आप, ये इधर से अंदर 1 और 2, इधर से 2। अब निकाले हुए घनों की विमा इधर से ऊपर देखेंगे, 1 एंड 2, ठीक है। और एक इसके ये जो तीसरी विमा है, ये जो पीछे की साइड है, ये कितनी है, 1, क्योंकि इसमें इधर की लेयर सभी में एक ही है, तो इसमें भी कितनी होगी, 1 होगी। तो जो निकाली हुई है वो उनमें से घटा देंगे टोटल में से, तो ये हो जाएगी 2 × 2 × 1, ये क्या हो गई, घटाए हुए घनों की विमा हो गई। तो कितने हो गए टोटल, 16 − 4 = 12, यानी दी हुई आकृति में 12 घन हैं। अब एक इस प्रकार की आकृति अपने पास आती है, तो इसमें अपने को ज्ञात करने का एक सिंपल सा तरीका है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले बात तो अपने को इधर ये जो है इधर इनकी संख्या ज्ञात करनी है, और फिर फ्लोर ज्ञात करनी है। फ्लोर मतलब मंजिल। अब जैसे इधर देखते हैं, ये एक पहला मंजिल पे है, ये दूसरे मंजिल पे है, और ये तीसरे मंजिल पे, यानी दिव्य आकृति में टोटल 3 मंजिलें हैं। और अब क्या करते हैं, घनों की इधर संख्या, ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये ज्ञात करते हैं। तो इसमें नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं, 1 2 3, इससे ऊपर वाली में 1 2, और इस वाली में 1, ठीक है। अब अपने को घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फ्लोर को यानी मंजिल और मंजिल पे, प्रति मंजिल पे कितने कमरे हैं, ठीक है, उनसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है।
यानी कोई बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में अपन क्या करते हैं, अपने को सभी कमरों की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे कि एक मंजिल और मंजिल पे कितने कमरे हैं तो उनको गुणा करते हैं। तो यही इसमें करना है। पहली मंजिल पे कितने हैं, 3। दूसरी मंजिल पे मंजिलों की संख्या गुणा इसमें कमरे, 2। ऐसे ही तीसरी मंजिल पे चलेंगे, मंजिल तीसरी और कमरे 1, तो इनको काउंट करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 10। तो द्विवी आकृति में घनों की संख्या कितनी है, 10। अब आगे चलते हैं, ऐसा ही एग्जाम्पल और लेते हैं। अब जैसे अपने को ये दिया हुआ है, इसके अंदर पहले इधर चलेंगे अपन फ्लोर काउंट करेंगे और इधर चलेंगे तो कमरे काउंट करेंगे, ठीक है। तो कमरों की संख्या प्रति मंजिल पे देखनी है। पहले वाली मंजिल पे कितनी है, 1, 2, 3, 4। दूसरी पे 1, 2, 3, इस पे 1, 2, इस पे 1। और ये कौन से मंजिल पे है, ये पहली मंजिल पे है, ये दूसरी मंजिल पे है, ये तीसरी मंजिल पे है, और ये लास्ट वाला चौथी मंजिल पे है। टोटल कितनी है, 4 मंजिल। तो घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक मंजिल और उनको कमरों को आपस में गुणा कर देंगे, 4 × 1, ये 3 × 2 प्लस ये 2 × 2 मंजिल और 3 कमरे, ठीक है। ऐसे ही इसमें चलेंगे, इसमें पहली मंजिल और 4 कमरे। अब इनको आप जोड़ोगे तो कितने आएंगे, 20, ठीक है। यानी इस आकृति में घनों की संख्या 20 है। अब ऐसे देखते हैं, इसमें अपन को सबसे पहले मंजिल काउंट करनी है, ये कितने हैं, 5 मंजिल है। ये पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल। और प्रत्येक मंजिल पे अब कमरे देखने हैं, इस पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस पे 4, इस पे 3, इस पे 2, इस पे 1, ठीक है। ये लिख देते हैं, इसमें कितने हैं, 4, इसमें कित नहीं सॉरी इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1 कमरा है। तो घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक मंजिल और उस पे कमरों की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे। नीचे से चले तो 1 × 5 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 2 प्लस 1 × 5, ठीक है। 5 और 5 10, 10 और 16 26, 26 और 9 35, ठीक है। तो इसमें क्या हो गए, इतने कमरे हो गए। तो ऐसे अपने को घनों की संख्या ज्ञात करते हैं, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।